और सांसदों के साथ पूरा सरकारी तंत्र सांसद क्षेत्रीय विकास निधि यानी कि एमपीलैंड लूटने में लगा है। और इस मामले में बिहार के सांसद सबसे कंजूस हैं। लालू रघुवंश समेत 15 सांसद ऐसे हैं जो सांसद निधि की पहली किश्त भी अब तक खर्च नहीं कर पाए हैं। हर सांसद को संसदीय क्षेत्र में विकास के लिए 5 करोड़ मिलने लगे हैं। पहले यही राशि 2 करोड़ रुपए थी, लेकिन जब से सांसदों की विकास निधि दोगुनी हुई है तब से वो आधा ही खर्च कर पा रहे हैं। इतना ही नहीं, जो खर्च भी कर रहे हैं उसमें भी सड़क या सामुदायिक भवन बनाने का ठेका अपने संबंधियों को दे रहे हैं। किसी किसी स्टेट में एमएलए रेकमेंड कर रहे हैं कि उसको काम दे दिया जाए, उसी को भी एंटरटेन किया जाता है। वो इसी हिसाब से एमपी भी सोचते हैं कि अगर एमएलए दे रहे हैं कि एमपी क्यों नहीं दे। मैंने बोला उसको एमएलए का अगर दिया जाता है उसको बंद किया जाए। तो वो कितने आपको स्टडी हुई है उस पर कि कौन कौन से स्टेट में ऐसा? एक तो स्टेट ऑफ ओडिशा में दिया जाता है। मेरा नोटिस में आया है कि एमएलए रेकमेंड्स ए कॉन्ट्रैक्टर्स नेम एंड दैट इज बीइंग एंटरटेन्ड एंड दैट इज अ सर्कुलर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आई हैव रिटन टू द स्टेट गवर्नमेंट, डोंट डू दैट। 1993 में जब सांसद विकास निधि जैसी स्कीम आई थी तो उद्देश्य ही था कि हर सांसद या स्थानीय प्रतिनिधि जनता के लिए सड़क, बिजली और सामुदायिक भवन बनाने जैसी सुविधाओं का निर्माण कराए। लेकिन सांसदों और जिले में मौजूद उनके कारिंदों के पास पैसे खर्च करने की योजना तक नहीं है। नियमों के मुताबिक जब तक सांसद विकास निधि की 80% रकम खर्च नहीं करता तब तक दूसरी किस्त जारी नहीं होगी। 15वीं लोकसभा में ऐसे कई सांसद हैं जिन्हें इसी नियम के तहत दूसरी किस्त नहीं मिल पा रही है। इसी सूचना में बिहार के सांसदों का नंबर पहला है। लालू प्रसाद यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह और कीर्ति आजाद समेत 15 सांसद ऐसे हैं जो सांसद निधि की पहली किस्त भी खर्च नहीं कर पाए हैं। दूसरे नंबर पर राजधानी दिल्ली है, जहां के सांसद कपिल सिब्बल, अजय माकन, कृष्णा तीरथ, संदीप दीक्षित और महाबल मिश्री या तो अपनी सांसद निधि खर्च नहीं कर पा रहे हैं या फिर हिसाब किताब नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरी किस्त जारी नहीं हुई है। सांसदों को अपने चुनाव क्षेत्र में पैसा खर्च करने की रकम बढ़ा तो दी गई है, लेकिन जो नया एमपी लैंड्स गाइडलाइन आई है उसमें ये कहा गया है कि कोई भी सांसद प्राइवेट ट्रस्ट या सोसाइटीज को 25 लाख रुपए तक का खर्च का अनुमान दे सकता है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो 90 दिन तक उसको पैसा खर्च करना होता है और वो पूरे फाइनेंशियल ईयर तक खर्च कर सकता है। इस मामले पर सीएजी रिपोर्ट भी चौंकाने वाली है। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2011 में सांसदों ने 50% रकम ही खर्च की, जबकि 2008-2009 में सांसदों ने 52% सांसद निधि खर्च की और 2137 करोड़ रुपए जिले के बैंकों में ही पड़े रहे। इससे पहले 2004-2005 में तो सांसद सिर्फ 37% पैसे ही जनता के लिए खर्च कर पाए थे। यही नहीं, सांसद भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय भी सांसद निधि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस दौरान दी गई राशि भी सांसदों के खाते में ही पड़ी रही। इस समय दिल्ली से टीपू राय।